पहले कक्षा 10वीं के प्यारे प्यारे बच्चों का मैं अक्षय आचार्य जी आज की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों आगे देखते हैं, प्रश्नावली नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इससे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे आगे बहुपदों का गुणन खंडन। ध्यान से इसको समझना है पहले, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे प्रश्नावली नंबर 3 का सवाल सॉल्व करेंगे। पहले हम समझते हैं बहुपदों का गुणन खंडन होता क्या है, आपको उसके नियम को समझना, वो है क्या चीज, डायरेक्ट सवाल सॉल्व नहीं करना। देखो यहाँ पर समझते हैं बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपद इससे पहले हम समझ चुके हैं, इसमें समझते हैं गुणनखंडन। दो बात में देखो, गुणन प्लस खंडन मतलब होता है खंड मतलब विभाजित करना या टुकड़ों में बांटना। तो ये क्या है, इसको टुकड़ों में बांटना है। जैसे कि मान लो आपको कहीं गुस्सा आ गया, मोबाइल चला रहे हो तो, और मान लो गुस्सा आ गया और मोबाइल को कहीं जोर से पटक दो, तो जोर से अगर पटकेंगे तो मान लो उसका जो कांच है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा, कई टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो जो वैसे ही है गुणनखंडन मतलब गुण कई टुकड़ों में वो बढ़ जाएगा। जैसे समझ लेते हैं, मान लो लिखा है, मान लो लिखा गया 20 लिखा है, 20 अभी सिंगल अंक है, एक अंक समझ लो 20। तो 20 को हम क्या करेंगे, इसे गुणा के रूप में बांटेंगे। जैसे क्या होता है 2 × 2 = 4 और 4 × 5 क्या होता है 20, ऐसे लघुत्तम निकालते हैं। जैसे किस प्रकार इस प्रकार निकालते हो, ये 20 हो गया, 2 × 2 = 20, 2 × 5 = 10 और 5 = 5। इस प्रकार अगर लघुत्तम निकालना आपको आता है इस प्रकार, ये क्या हो गया, ये जो आया 2 × 2 = 5। तो ये क्या है 2 × 2 = 2 और 2 और ये 5, ये क्या है इसका गुणा का हिस्सा है, इसमें ठीक है, ये इसका भाग है गुणा का, यही क्या है इसका गुणनखंड है। ये 2, 2, 5 ये जो है ये इसका क्या है गुणनखंड है। और भी निकाल सकते हो, जैसे कि 15 तो 3 × 5 = 15 और आ गया जैसे कि 12 तो तुम्हें 4 × 4 किया 12 और बहुत सारे निकाल सकते हो। आगे इसको देखते हैं कितने प्रकार से गुणनखंड करते हैं। तो जैसे इसका पहला नियम है उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड प्राप्त करना। ध्यान से देखना है, उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड प्राप्त करना। उभयनिष्ठ को अंग्रेजी बोलते हैं कॉमन निकालना। अब निकालते कैसे हैं, ध्यान से समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल 16 है, इसको समझते हैं उभयनिष्ठ निकाल कर कैसे इसको इस प्रकार बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या करना है, 12 का तो क्या करना है, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना है जब तक वो क्या हो जाए अभाज्य संख्या लाना है। अब क्या करना है, क्या लाना है अभाज्य संख्या। जैसे कि ये 2 और ये 2 और ये 5 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जो खुद से भाग जाता है, किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाता है। एक से तो सब चला जाता है, देखो 2 केवल 2 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़ा में तो आता ही है, 3 के पहाड़ा में तो आता है क्या, 5 केवल 5 के पहाड़ा में आता है, 5 × 5 = 5, 6 × 5 होता है क्या, 7 × 5 होता है क्या। तो जो संख्या खुद से भाग जाता है और एक से तो जाता ही है, किसी दूसरे संख्या से नहीं जाता, वो क्या होता है अभाज्य संख्या। ध्यान देना ये सब क्या है अभाज्य संख्या, इस पर आपको ध्यान देना है। तो यहां से देखो 12, तो 12 को पूरा हमको तोड़ना है किस रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और ये गुणा अगर x एक बार लिखा है तो गुणा x, ध्यान देना ये x है, ये गुणा का निशान है, प्लस हो जाएगा 4 को कैसे तोड़ेंगे 2 × 2 = 4, ध्यान देना x की घात 2 है तो x को कितने बार लिखेंगे 2 बार, x गुणा x, याद रखना ये वाला x है, ये क्या है x है, इसको याद रखना है गुणा नहीं। ध्यान देना है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4, 4 × 12 और ये 100 हो गया 2 × 2 = 4, x को 2 बार लिखे, ये बीच में प्लस को देखना, बीच में प्लस या माइनस रहता है, ये प्लस के पहले वाला एक पद हो गया और ये क्या हो गया एक पद। अब कॉमन कैसे निकलेगा, जो दोनों साइड है वही कॉमन निकलता है, दोनों साइड होना चाहिए, प्लस इधर वाला और प्लस इधर वाला दोनों साइड एक जैसे रहेगा वही कॉमन निकलेगा, मतलब उभयनिष्ठ एक जैसे। तो ध्यान देखते हैं, इधर 2 है इधर भी 2 है, ये 2 क्या हो जाएगा एक बार लिखना कॉमन निकला। अब उसके बाद देखना इधर भी 2 है इधर भी 2 है, वो भी क्या हो जाएगा गुणा लिखना कॉमन निकल गया। अब ध्यान से देखो इधर 3 है तो इधर 3 है क्या,
ध्यान रखना, इधर तीन है इधर तीन है क्या? नहीं है, तो कॉमन नहीं निकलेगा, उसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी क्या है, एक्स है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। अब इधर देखना, इधर एक्स है तो इधर फिर से एक्स बचा क्या, नहीं बचा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। ध्यान देना, प्लस या माइनस के इधर, प्लस के इधर वाले को देखना है और इधर वाले को देखना है, दोनों साइड जो एक जैसे रहेगा फोटो कॉपी उसी को एक बार लिखना है। जैसे ये दो को एक बार लिखे, फिर से इस दो को एक बार लिखे, फिर से इस एक्स को एक बार लिखे। इधर तीन है इधर तीन नहीं है तो नहीं लिखे, इधर एक्स है इधर एक्स नहीं है तो नहीं लिखे। अब देखना, ध्यान देना, यहाँ क्या लगाना, पोस्टर। अब जो बचा है उसको इसमें लिखना है, क्या बचा इसमें, तीन, तो तीन को लिख देना। यहाँ पर क्या है, प्लस, अब इधर देखो क्या बचा, एक्स, तो अब इसको क्या करना, गुणा कर देना, दो दूनी चार, और ये क्या हो गया, एक्स, और कोष्ठक में क्या बचा, तीन प्लस एक्स। तो देखो ये अलग अलग खंड में क्या है, बढ़ गया, दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार इसको क्या करना है, बांटना है, यही इसका क्या है, गुणनखंड है, उभयनिष्ठ निकाल कर, ये क्या है इसका आंसर है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 17। देखो यहाँ इसमें लिखा है, इसको देखो गुणनखंड में बांटेंगे। देखो ए बी है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, प्लस को ध्यान देना, प्लस है तो ये प्लस के पहले ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, पद पे ध्यान देना है। तो ध्यान देना, ए बी है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए गुणा बी, प्लस ए सी है तो क्या लिख सकते हैं, ए गुणा सी, और ए की घात दो है तो ए को कितने बार लिख सकते हैं, दो बार। अगर ए की घात तीन है तो ए को तीन बार लिखोगे, ए गुणा ए गुणा ए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस प्रकार इसको लिख सकते हो। अब याद रखना, अगर तीन पद है तो तीनों में एक जैसे रहेगा तभी वो कॉमन निकलेगा। अगर पहला में ए है तो दूसरा में भी ए रहे और तीसरा में भी ए रहे तभी वो कॉमन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ध्यान दो, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या है, ए है, तीनों में है, इसलिए वो ए एक बार लिखना कॉमन निकल जाएगा। अब देखो इसमें बी है, इसमें बी है क्या, नहीं है, इसमें बी है क्या, नहीं है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, उसका कॉमन नहीं निकलेगा। इसमें सी है, इसमें सी है क्या, इसमें सी है क्या, नहीं है, तो वो भी कॉमन नहीं निकलेगा। फिर देखो इसमें ए है तो इसमें अब दोबारा फिर से ए बचा क्या, इसको छोड़कर इसमें फिर से ए बचा क्या, नहीं है, तो कॉमन नहीं निकलेगा। तो कोष्ठक लगाना, यहाँ क्या बचा, बी, यहाँ क्या बचा, सी, और यहाँ क्या बचा, ए। ये क्या है, इसका गुणनखंड है। इस प्रकार आपको क्या करना है, इसको टुकड़ों में बांटना है, अलग अलग टुकड़ों में बांटना है। उम्मीद है आपको ये गुणनखंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड करते हैं ये। देखो ये उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड प्राप्त करने के लिए क्या है, इसका होमवर्क है, ग्री टाइम, इसको क्या करना है, पांचों सवाल को आपको बनाना है और बनाकर क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। धन्यवाद।